नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जनवरी को रिलीज़ हुई कान्हा जी द अनसंग वॉरियर के 16 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आपको बता दें कि इस फिल्म का क्लैश हुआ था दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक के साथ। बावजूद उसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छे कलेक्शन किए थे, साथ ही साथ इस हफ्ते रिलीज़ हुई है वरुण धवन श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D और कंगना रनावत की फिल्म पंगा। इन दो बड़ी फिल्मों के बावजूद तानाजी द अनसंग वॉरियर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपने पैर जमाए हुए हैं और फिल्म के कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल कर अभी भी आ रहे हैं। बात करें फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर की, तो इस फिल्म की स्टार कास्ट में हमें देखने को मिले थे अजय देवगन, सैफ अली खान, काजोल, नेहा शर्मा और शरद केलकर। इस फिल्म का निर्देशन किया था ओम रावत ने। बात करें इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट था लगभग 110 करोड़ रुपये। वहीं इस फिल्म ने अपने रिलीज़ होने से पहले ही 85 करोड़ रुपये की रिकवरी कर ली थी। इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा में भी रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म की स्क्रीन काउंट की, तो इस फिल्म को भारत में स्क्रीन मिली थी जहाँ 3,880, वहीं ओवरसीज़ में फिल्म को 660 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था। फिल्म को टोटल वर्ल्ड वाइड 4,540 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था। बात करें फिल्म के 16 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन ओपनिंग ली थी 15 करोड़ 10 लाख रुपए। वहीं दूसरे दिन फिल्म को मिले अच्छे रिव्यूज़ की वजह से फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ देखी गई और फिल्म के कलेक्शन रहते 20 करोड़ 57 लाख रुपए। तीसरे दिन रविवार का फ़ायदा फिल्म को मिला और फिल्म के कलेक्शन रहे थे 26 करोड़ 8 लाख रुपए, जिसे मिलाकर इस फिल्म का 3 दिनों का वीकेंड कलेक्शन हो गया था 61 करोड़ 75 लाख रुपए। वहीं फिल्म ने अपने पहले हफ्ते कमाई की थी 118 करोड़ 91 लाख रुपए। दूसरे हफ्ते फिल्म के कलेक्शन रहे थे 78 करोड़ 54 लाख रुपए। बात करें फिल्म के तीसरे हफ्ते की, तो फिल्म को तीसरे हफ्ते में लगभग 1200 स्क्रीन मिली है, जिसमें फिल्म ने अपने 15वें दिन कमाई की 6 करोड़ 3 लाख रुपए। वहीं बात करें फिल्म के 16वें दिन की, तो 16वें दिन की ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और फिल्म आज कई जगह पर हाउसफुल भी नज़र आ रही है। फिल्म अपने 16वें दिन कमाई कर रही है लगभग 10 करोड़ रुपए, जिसे मिलाकर फिल्म का 16 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 213 करोड़ 48 लाख रुपए। वहीं फिल्म का 16 दिनों का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है लगभग 250 करोड़ रुपए। ओवरसीज से फिल्म ने 16 दिनों में कमाई की है 28 करोड़, जिसे मिलाकर फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 16 दिनों का हो जाता है 278 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, आप भी अजय देवगन के फैन हैं तो वीडियो का लाइक करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम आपको देते हैं सारी मूवीज़ की डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट्स।